फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी सब लोग जानते हैं कि हम लोग सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से गुजर रहे हैं। सबको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इसी में ही हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिलहाल तो मेरे घर में हस्बैंड पॉजिटिव हो गए हैं, मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर इसे पैनिक नहीं होना है। बस प्रिकॉशन लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहना है, अनुलोम विलोम करते रहिए और डाइट पर ध्यान दीजिए, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा। तो इसके लिए तो हमको एक रूटीन बना लेना पड़ेगा, जैसे मैं भी अभी घर में वही फॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमको मॉर्निंग में एक काढ़ा बना के लेना है, जो काढ़ा का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वो काढ़ा देख सकते हैं। और वही वाला बना के आप सुबह शाम दो टाइम जरूर लीजिए। ब्रेकफास्ट में हम इडली, डोसा, पराठा, पोहा, उपमा कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ आप पोमीग्रेनेट जूस, बीटरूट जूस, पाइनएप्पल जूस कोई भी ले सकते हैं। और हॉट स्टीम आप दिन में दो बार तीन बार जरूर कीजिए। लंच में राइस, रोटी, करी, दाल, फिश, हरी सब्जी कुछ भी ले सकते हैं। हरी सब्जी जैसे भी लीजिए, प्रोटीन रिच फूड लीजिए, ताकि हमको जल्दी से ठीक होना है। आधा घंटा के बाद गुनगुना पानी लीजिए। हमेशा आप जब भी पानी ले रहे हैं तो गुनगुना पानी ही लें, बहुत ज़्यादा हॉट पानी मत लें, एकदम गुनगुना पानी ही लें। और दिन में तीन बार गार्गलिंग जरूर करें। स्टीम और गार्गलिंग आप दोनों याद रखिए, और दो से तीन बार आप जैसे भी उसको कीजिए। इवनिंग स्नैक्स में हम फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी साइट्रस फ्रूट्स जिसमें कि विटामिन सी भरपूर हो। काढ़ा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, जिससे कि हमको एनर्जी मिलता रहेगा। अब ढेर सारा परिमाण में पानी लेते रहिए। डिनर के टाइम पे हम रोटी, फिश, मीट, एग कुछ भी ले सकते हैं। और रात को सोने से पहले एक ग्लास हल्दी वाला दूध लेना मत भूलिए। उसको जैसे भी लीजिए, आपका बुखार हो, कफ हो, ठंडा हो, सब उससे कम हो जाएगा। तो आज मैं वही बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि हल्दी वाला दूध कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं दूध को गर्म कर ली हूँ, तो इतना सारा तो मैं बनाऊंगी नहीं, हमको एक ग्लास दूध अभी बनाना है। तो एक ग्लास हम दूध रख लेंगे इसमें। तो देखिए, ये हमारा दूध गर्म हो गया है, मैं एक ग्लास दूध इसको गर्म कर दी हूँ। अब इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमको एकदम जस्ट थोड़ा सा गर्म करना है और इसको बहुत हॉट नहीं पीना है, गुनगुना करके ही इसको लेना है। तो ये हमारा दूध बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूध अभी ठंडा हो गया है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप लोगों के पास अगर कच्चा हल्दी है तो आप लोग कच्चा हल्दी का यूज करें, वो ज़्यादा फायदा करेगा। और इसको जैसे भी बनाइए, और रात को आप सोने से पहले इसको जैसे भी लीजिए। तो इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं। तो मैं ये एक ग्लास ले ली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गोल्डन मिल्क या हल्दी वाला दूध तैयार हो गया। तो आप लोग भी बनाइए और इसको हर रोज लीजिए, बच्चे लोगों को भी दीजिए, और कोरोना से घबराइए मत, उससे लड़िए। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं कोई डिश बना नहीं पा रही हूँ। तो जैसे ही इन सबका तबीयत ठीक हो जाएगा तो फिर मैं बनाना शुरू कर दूँगी। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।